हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ यूनिट 13 लॉस एंड फाउंड बेनेगल्स बोस। देखिए, जो बच्चों के पास इंग्लिश ए है और जो बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी एसओएल से, उनका चैप्टर नंबर 13 है लॉस एंड फाउंड बेनेगल्स बोस, जो कि मिहिर बोस द्वारा लिखा गया है। ठीक है ना, मैं पहले आपको बता दूं कि चैप्टर थोड़ा टिपिकल है। वीडियो को पूरा देखिए और आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए। आपका लाइक मुझे बहुत सपोर्ट करता है। और जो बच्चे नए हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरे कोर्स के लिए आपके बीए प्रोग्राम के, और मैं आपको दूसरे सब्जेक्ट भी शुरू करने वाला हूँ। मैं इसके खत्म होने के बाद फ्लुएंसी इंग्लिश के बाद ग्रामर शुरू करने वाला हूँ। चलिए लेसन शुरू करते हैं। द स्टोरी लॉस्ट एंड फाउंड बेनेगल्स बोस, रिटन बाय मिहिर बोस। देखिए, जो स्टोरी है ये लॉस्ट एंड फाउंड बेनेगल्स बोस, ये लिखी गई है मिहिर बोस द्वारा। मैनी ईयर्स अगो व्हेन रिचर्ड एटनबर्ग, देखिए काफी साल पहले जब रिचर्ड एटनबर्ग नाम के जो डायरेक्टर थे, उन्होंने शुरू करा था गांधी फिल्म बनाना, तो सत्यजीत रे वाज आस्क्ड इन लंदन व्हाई ही डिड नॉट चूज टू मेक अ फिल्म अबाउट गांधी। तो सत्यजीत रे नाम के जो डायरेक्टर थे, उनसे पूछा गया लंदन में कि आपने गांधी नामक टॉपिक पर फिल्म क्यों नहीं बनाई है, गांधी के ऊपर फिल्म क्यों नहीं बनाई। ही अवॉइडेड टू गिव अ डायरेक्ट रिप्लाई, देखिए उन्होंने मतलब डायरेक्ट रिप्लाई आंसर नहीं दिया, ठीक है ना, बट ही नियरली सेड दैट ही डिड नॉट वॉन्ट टू टेक अप सच एन एक्सप्लोजिव सब्जेक्ट। लेकिन उन्होंने ये कहा कि वो इतना एक्सप्लोजिव सब्जेक्ट लेने से डरते हैं या उनके ऊपर फिल्म बनाना नहीं चाहते, ठीक है ना, क्योंकि ये विवाद का कारण बन जाते हैं ऐसे सब्जेक्ट जो होते हैं जिनके ऊपर हम फिल्म बनाते हैं इतिहास से। इट लीड्स मिहिर बोस टू कॉन्क्लूड दैट द इंडियन फिल्म मेक और आर अफ्रेड ऑफ टेकिंग कॉन्ट्रोवर्शियल सब्जेक्ट। इस वजह से मिहिर बोस जो इस कहानी के जो लेखक हैं, वो कहते हैं कि इंडियन फिल्म मेकर जो हैं डरते हैं फिल्म बनाने से कॉन्ट्रोवर्शियल सब्जेक्ट्स के ऊपर, ठीक है ना। बट बेनेगल ब्रॉक न्यू ग्राउंड, लेकिन बेनेगल बोस ने एक नया ही इतिहास रचा है, ठीक है। जो बेनेगल बोस नाम के जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक नया इतिहास रचते हुए ऐसी फिल्म बनाई है जिसका नाम है सुभाष चंद्र बोस, यानी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर फिल्म बनाई है। फॉर हिज डेयरिंग एक्ट ही डिजर्व टू बी कॉन्ग्रेचुलेटेड, अब मिहिर बोस उनको कॉन्ग्रेचुलेट बोलते हैं उनके इस साहस के लिए। दिस इज द फर्स्ट अटेम्प्ट बाय एन इंडियन फिल्म मेकर, ये पहला अटेम्प्ट होगा जब इंडियन फिल्म मेकर ने किसी हिस्ट्री से फिल्म बनाई है। द लिटिल ऑफ बेनेगल्स फिल्म इज द सॉरी द टाइटल ऑफ बेनेगल्स फिल्म इज द फॉरगॉटन हीरो, देखिए जो टाइटल था बेनेगल फिल्म का वो क्या था, फॉरगॉटन हीरो, यानी भुलाया गया नायक। द राइटर हैड आल्सो रिटन द बायोग्राफी ऑफ सुभाष इन 1982, देखिए आपको पता ही है कि राइटर जो है इस कहानी के मिहिर बोस, उन्होंने भी ये बायोग्राफी लिखी है सुभाष चंद्र बोस के ऊपर 1982 में। उन्होंने भी इसका टाइटल जो दिया था वो लिखा था लॉस्ट हीरो, यानी कि खोया हुआ नायक। इट implied that while Bose was an important hero, देखिए आप सभी को पता है कि जिस तरह सुभाष चंद्र बोस हमारे फ्रीडम फाइट के बहुत ही इंपॉर्टेंट हीरो थे, लेकिन ही वॉज ऑलमोस्ट लॉस्ट, लेकिन वो लगभग पूरी तरह से भुलाए जा चुके हैं, खो चुके हैं, मतलब हम उनके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करते, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। Forgotten by modern India, देखिए अब जो सुभाष चंद्र बोस को आधुनिक भारत में भुलाया जा चुका है। ही इज बींग कैप्ट अलाइव थ्रू अ कॉन्ट्रोवर्सी अबाउट हिज डेथ, देखिए उन्हें तो सिर्फ जिंदा रखा है तो उनकी मृत्यु ने, यानी कि उनकी मृत्यु के ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी है कि वो एयर क्रैश में मरे थे या नहीं मरे थे, ठीक है ना। अन इंक्वायरी इज गोइंग ऑन द टू नो वेदर बोस डाइड इन द एयर क्रैश और नॉट, देखिए वो एयर क्रैश में मरे थे उस समय या नहीं मरे थे। इन द फिल्म बेनेगल्स डजंट टेल अस हाउ बोस मेट हिज डेथ, लेकिन बेनेगल अपनी फिल्म में ये नहीं बताते कि उनकी मृत्यु कैसे हुई है। हिज फिल्म डील्स विद द लास्ट 4 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, बेनेगल्स की जो फिल्म है बेनेगल बोस की, उसमें दिखाया गया है सुभाष चंद्र बोस के अंतिम जीवन के 4 सालों को। इट बिगिंस विद बोस रिजाइनिंग फ्रॉम द कांग्रेस प्रेसिडेंसी एंड एंड्स विद द प्लेन टेकिंग ऑफ इन ऑगस्ट 1945, देखिए जो बेनेगल्स बोस की जो फिल्म है सुभाष चंद्र बोस के ऊपर जो बनाई गई है, वो शुरू होती है जब वो कांग्रेस के पद से, सभापति पद से इस्तीफा देते हैं, और खत्म होती है जब के जो सुभाष चंद्र बोस प्लेन में बैठ के जब वो टेक ऑफ करता है प्लेन, वहां पर खत्म हो जाती है अगस्त 1945 में। तो इसमें मृत्यु के बारे में नहीं दिखाया गया उनकी। ऑन द कॉन्ट्रेरी टू इट, एटनबर्ग इन हिज फिल्म डेल्ट विद गांधीज लाइफ फ्रॉम हिज वर्क इन साउथ अफ्रीका टू हिज
डेथ इन 1948, लेकिन ये कह रहे हैं जो मिहिर बोस कह रहे हैं कि एटनबर्ग ने जो गांधी के ऊपर फिल्म बनाई थी उसमें गांधी के साउथ अफ्रीका में रहने के बारे में, उनके वहां के वृत्तांत सारे बताए गए हैं और गांधी जी की मृत्यु के बारे में भी बताया गया है इस फिल्म में। बेनेगल्स फिल्म इज नॉट ऑल बेस्ड ऑन फैक्ट, बेनेगल की जो फिल्म है किसी भी फैक्ट पर आधारित नहीं है प्रॉपर, द फिल्म मेकर हैज एडेड हिज ऑन ग्लोस टू द स्टोरी। जो फिल्म मेकर है जो सुभाष चंद्र बोस की फिल्म के जो डायरेक्टर है उन्होंने इसमें तड़क भड़क डाल दिया स्टोरी में। दिस इज नॉट समथिंग अनकॉमन, जो कि एक कॉमन बात नहीं है। एटनबर्ग हैड आल्सो डन दैट विद गांधी, एटनबर्ग ने भी गांधी की फिल्म बनाते समय ऐसा किया था। इन बेनेगल्स फिल्म देयर इज ए लेंथी डिस्क्रिप्शन ऑफ बोस ट्रिप, अब जो बेनेगल की फिल्म है उसमें सबसे ज्यादा जो दृश्य दिखाए गए हैं वो बताया गया है, यानी कि फिल्म में सबसे ज्यादा जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है बोस की ट्रिप का, जब बोस जाते हैं सबमरीन में इन 1943 फ्रॉम जर्मनी टू जापान, जर्मनी से जापान जब सबमरीन में जाते हैं उसको थोड़ा बड़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। उसमें एक ऐसा इंसिडेंट दिखाया गया है, द इंसिडेंट ऑफ अबिद हसन कुकिंग खिचड़ी इज नॉट हिस्टोरिकली ट्रू। अब जो बेनेगल बोस ने अपनी फिल्म में जो इस इंसिडेंट को डाला है जिसमें अबिद हसन जो है खिचड़ी बनाते हैं, लेकिन ये हिस्टोरिकली ट्रू नहीं है। इट हैज बीन एडिड टू मेक द डिफिकल्ट जर्नी ड्रामेटिक एंड इंटरेस्टिंग, अब जो इनकी जो डिफिकल्ट जर्नी थी सुभाष चंद्र बोस की उसको इंटरेस्टिंग और ड्रामेटिकली बनाने के लिए उन्होंने ये चीज डाली है कि अबिद हसन नाम के जो व्यक्ति हैं समरीन में खिचड़ी कुक करते हैं, तो ये बताया गया। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। बेनेगल हैज आल्सो टेकन मच लिबर्टी इन डिस्क्राइबिंग बोस रिलेशनशिप विद हिज ऑस्ट्रेलियन सेक्रेटरी एमलिक शेंकल। देखिए जो बेनेगल बोस हैं अपनी फिल्म में ये खुले तौर पर दिखाते हैं बोस का रिलेशनशिप उनकी ऑस्ट्रेलियन सचिव के साथ एमलिक शेंकल के साथ। द फिल्म शोज अ मैरिज सेरेमनी इन बर्लिन इन 1941। देखिए फिल्म में दिखाया गया है कि मैरिज सेरेमनी होती है बर्लिन में 1941 में विद अ जर्मन प्रोफेसर एक्टिंग एज ए ब्राह्मण प्रिस्ट, जिसमें एक जर्मन प्रोफेसर ब्राह्मण बनते हैं शादी में। ठीक है, द फैक्ट इज नो सच सेरेमनी टुक प्लेस, लेकिन फैक्ट ये है कि वहां पर कोई भी ऐसी सेरेमनी नहीं हुई थी, ये सिर्फ तड़क भड़क दिखाने के लिए मूवी में डाल दिया गया। बोस एंड एमली हैड बिकम मैन एंड वाइफ नॉट इन 1941 बट इन 1937। देखिए जो बोस और एमली थी वो जो हस्बैंड वाइफ बन गए थे 1937 में, ना कि 1941 में जो कि फिल्म में दिखाया गया है। However, Bose mislead his family as well as the country about his marriage. लेकिन बोस ने अपनी फैमिली को भी और देश को भी यानी इंडिया को भी गुमराह किया था अपनी मैरिज को लेकर के। उन्होंने बोला he kept quiet about the relationship, उन्होंने अपना रिलेशनशिप छुपा कर रखा। He got married in December 1937, जो सुभाष चंद्र बोस थे और दिसंबर 1937 में ही शादी कर ली थी उन्होंने। On a short visit to Europe, जब वो छोटी सी विजिट पे गए थे यूरोप में, the purpose of the visit as stated by Bose, जो कि पर्पस जो विजिट का पर्पस बताया गया था बोस के द्वारा वो ये कहा गया था कि वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए गए थे। ही रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1938, वे फिर इंडिया वापस आ गए थे जनवरी 1938 में एंड गेव ओनली अ लाई, और फिर उन्होंने झूठ बोला दैट ही वाज स्टिल अ बैचलर, कि वो अब भी बैचलर है। ठीक है ना, देयर इज नो मैरिज सर्टिफिकेट बट इन हिज लेटर टू हिज ब्रदर्स शरद, देखिए वैसे तो कोई मैरिज सर्टिफिकेट नहीं मिला किसी को भी, ना ही कोई था कि उन्होंने शादी करी थी, लेकिन उन्होंने जब अपने भाई को एक लेटर लिखा था, उनके भाई का नाम था शरद, उसको जब लेटर लिखा था तो उन्होंने ये एडमिटेड करा था, ये माना था बोस ने दैट ही हैड ए डॉटर अनीता, उनकी एक डॉटर है अनीता नाम की। ठीक है ना, बेनेगल हैज मेड आउट बोस मोर एंटी हिटलर देन He was. देखिए अब बेनेगल यहाँ पर एक मोड़ आता है कहानी में जहाँ पर बेनेगल जो है बोस को और ज्यादा हिटलर विरोधी दिखाते हैं जितना कि वो थे। ठीक है ना, हिटलर कैप्ट बोस वेटिंग फॉर मोर देन अ ईयर बिफोर ही फाइनली मेट हिम। अब देखिए जो सुभाष चंद्र बोस है वो हिटलर से मिलना चाहते थे, लेकिन हिटलर ने उन्हें लगभग एक से अधिक साल का इंतजार करवाया था मिलने से पहले। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। इन दैट मीटिंग बोस फर्स्ट प्रेज्ड हिटलर एज ए ग्रेट रेवोल्यूशनरी एंड सॉट हिज एडवाइस हाउ टू गेट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। देखिए सबसे जब जो मीटिंग करते हैं बोस से, फिर फाइनली वो हिटलर से मिलते हैं, तो सबसे पहले वो हिटलर को बहुत अच्छा क्रांतिकारी बताते हैं और बाद में उनसे एडवाइस लेते हैं कि कैसे इंडिया को आज़ादी दिलाई जाए ब्रिटिश
ब्रिटिशर्स के खिलाफ जाकर, ठीक है ना. इट इज ट्रू दैट बोस वॉज नॉट अ पपेट इन हिटलर्स हैंड, बट इट इज ऑल्सो ट्रू दैट ही डिड नॉट बैटल विद हिटलर्स हैंड गन एज इज शो बाय बेनेगल. देखिए ये तो पक्का है कि हिटलर की, जो सुभाष चंद्र बोस थे वो हिटलर की कठपुतली नहीं थे, यानी उनके इशारों पर नहीं नाचते थे, या उनसे कुछ उनका ज्यादा गहरा संबंध नहीं था. लेकिन ये भी सच है कि उनसे कोई लड़ाई भी नहीं हुई थी, यानी सुभाष चंद्र बोस की और हिटलर की लड़ाई भी नहीं हुई थी, जैसा कि बेनेगल बोस ने अपनी फिल्म में दिखाया है, ठीक है ना. बोस वॉज फार साइटेड इन सीकिंग फॉरन हेल्प टू गेट रिड ऑफ ब्रिटिश. इन फैक्ट ऑल लिबरेशन मूवमेंट है डन दैट. देखिए बोस चाहते थे, वो बहुत दूर की दृष्टि रखते थे, वो सोचते थे कि अगर हम बाहर से हेल्प ले लें ब्रिटिशर्स के खिलाफ तो शायद हम इंडिया को आज़ाद करा पाएं. लेकिन देखिए ज़्यादातर ऐसे मूवमेंट्स में हेल्प ली जाती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. बोस ट्रेजेडी वाज दैट ही हैड ओनली टू मूवमेंट मॉन्स्टर्स टू अप्रोच फॉर हेल्प, हिटलर एंड स्टालिन. देखिए बोस के जो एक परेशानी का कारण ये था कि उनके जो जिनसे वो सपोर्ट मांग रहे थे वो खुद में ही एक ऐसे मॉन्स्टर थे, ऐसी बड़ी शक्ति थे जो भारत के लिए खतरनाक साबित हो सकते थे. कौन कौन से? हिटलर और स्टालिन, ठीक है ना. हिटलर्स नाजिम वाज श्योरली मोर डेंजरस फॉर इंडिया देन द ब्रिटिश रूल. देखिए हिटलर का जो नाजीवाद था वो ज़्यादा खतरनाक था ब्रिटिश रूल से, ये सोचते थे. अब बेनेगल बोस भी, सॉरी बेनेगल बोस नहीं, सुभाष चंद्र बोस. बेनेगल बोस इन हिज फिल्म हैज एग्जीग्रेटेड, देखिए बड़ा चढ़ाकर, एग्जीग्रेटेड माने होता है बड़ा चढ़ाकर. बेनेगल इन हिज फिल्म हैज एग्जीग्रेटेड द बैटल सीन बिटवीन INA एंड ब्रिटिश फोर्सेस. देखिए बेनेगल बोस ने अपनी फिल्म में आजाद हिंद फौज और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में जो लड़ाई के दृश्य है वो बड़ा चढ़ाकर दिखाए हैं. ही डज नॉट सो टू प्रेजेंट द INA इन द मोर ग्लोरियस लाइट. देखिए वो दिखाना चाहते हैं अपनी फिल्म में कि जो आजाद हिंद फौज है वो ज्यादा ताकतवर है, लेकिन ऐसा नहीं था. ट्रूली स्पीकिंग बोस INA's रोल इन द बैटल वॉज नेग्लिजिबल. मतलब जो आजाद हिंद फौज थी उस समय ज्यादा पावरफुल नहीं थी, उनका ज्यादा रोल नहीं था. द रीजन वॉज द साइज ऑफ द ब्रिटिश इंडियन आर्मी. ये रीजन क्यों था? क्योंकि आजाद हिंद फौज जो है इंडियन ब्रिटिश आर्मी से क्यों हार जाती है? क्योंकि ब्रिटिश आर्मी की जो तादाद थी सैनिकों की वो ज्यादा थी. नियरली 28 लाख इंडियन फाउट फॉर द ब्रिटिश ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. बल्कि 28 लाख लगभग इंडियन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में काम करते थे, ब्रिटिश सेना में काम करते थे, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स के तरफ से लड़े थे, ठीक है ना. हमारे इंडियन भाई लोग जो 28 लाख थे वो ब्रिटिश आर्मी में थे, वो ब्रिटिशर्स की तरफ से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो लड़े थे. एट द INA ट्रायल्स हाउएवर द लॉयल्टी ऑफ द ब्रिटिश इंडियन आर्मी बिकम सस्पेक्ट. देखिए जब वो वहाँ से लौट कर वापिस आए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो क्या हुआ कि एक तरफ जो आजाद हिंद फौज के ऊपर कार्रवाई चल रही थी, केस चल रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, तो हमारे जो लोग थे वहाँ के जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में काम करते थे वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो गए, तो ब्रिटिशर्स को डर लगने लगा. ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं. देखिए एंड द ब्रिटिश रियलाइज दैट दे वुड हैव टू क्वाइट इंडिया. देखिए अब ब्रिटिशर्स को डर लगने लगा कि ये हमारी सेना ही हमारे खिलाफ हो गई है, और उन सेना में कौन थे? इंडियन ही थे. तो उन्हें लगने लगा कि अब हमें इंडिया को छोड़ के जाना ही पड़ेगा, यानी इंडिया को आज़ाद करना ही पड़ेगा. बेनेगल्स फिल्म हाउएवर डिस्क्राइब ब्यूटिफुली बॉस एस्केप फ्रॉम हिज कोलकाता होम टू बर्लिन वी अफगानिस्तान. देखिए बेनेगल की जो फिल्म है बहुत सुंदर तरीके से उनके कलकत्ता से अफगानिस्तान के रास्ते बर्लिन भाग जाने के दृश्य को दर्शाती है, ठीक है ना. यानी जो बेनेगल बोस की फिल्म है वो सुभाष चंद्र बोस के भाग कलकत्ता से बर्लिन जाने, यानी अफगानिस्तान से होते हुए बर्लिन भाग जाने के एक दृश्य को दर्शाती है. वैन बोस रीच द फ्री ट्राइबल्स, जब बोस एक स्वतंत्र कबीले के देश में पहुंचते हैं, ही जम्प्ड विद जॉय एंड शाउटेड देयर आई किक्ड जॉर्ज सिक्स. देखिए जब देश में पहुंचते हैं तो खुशी से झूम उठते हैं तथा चीख कर बोलते हैं, ये लो मैंने जॉर्ज जो सिक्स को लात मारता हूं, ठोकर मारता हूं, ठीक है ना. हेयर आई स्पिन इन द फेस ऑफ द विक्ट्री. बेनेगल मेक्स द सीन मोस्ट ड्रामेटिक. अब जो बेनेगल बोस है इस सीन को बहुत ही ड्रामेटिक बना देते हैं. वो क्या करते हैं, बोस टोस अ कॉइन, वो दिखाते हैं अपनी फिल्म में कि बोस एक सिक्का उछालते हैं विद जॉर्ज सिक्स का, जो उस समय चलता था जॉर्ज सिक्स का सिक्का उछालते हैं, और उनका जो सिक्के में जो उनका फेस होता है, जॉर्ज सिक्स का फेस जो होता है वो ग्राउंड पे आके गिरता है, ठीक है ना.
एंड द ऑन द ग्राउंड ही किक्स एंड स्पिट ऑन इट। अब जो बोस है उसमें दिखाया गया फिल्म में कि बोस जो है सिक्के में जॉर्ज सिक्स के जो फेस को लात मारते हैं और उसके ऊपर थूकते हैं। द राइटर थिंक दैट द फिल्म शुड हैव एंडेड विद द एयर क्रैश। देखिए अब जो राइटर है बेनेगल बोस वो चाहते हैं वैसे तो कि वो एयर क्रैश दिखाते हुए फिल्म को खत्म करें, बोस को मृत्यु को दिखाएं उसमें, बट इट एंड विद द प्लेन टेकिंग ऑफ। बस वो ये दिखाते हैं लेकिन अंत में कि प्लेन उड़ता हुआ नजर आता है टेक ऑफ करता हुआ। एंड एमली हियर्स द न्यूज ऑफ क्रैश ऑन द रेडियो, और उनकी जो वाइफ है एमली वो जो है जो न्यूज है उनकी मृत्यु की प्लेन क्रैश की वो रेडियो पे सुनती है। द एयर क्रैश सीन वुड हैव पुट अ एंड टू द सिली कॉन्ट्रोवर्सी ओवर बोस डेथ। अब जो यही सीन जो है यानी कि ये जो एयर क्रैश का जो सीन है यही एक विवाद का कारण बना हुआ है कि कुछ लोग कहते हैं कि बोस उसमें नहीं थे, कुछ कहते हैं कि बोस उसी में थे प्लेन में, ठीक है ना। द बेनेगल्स फिल्म ऑन द होल डस मच टू रिहेबिलिटेट सुभाष बोस। देखिए अब जो इन्होंने फिल्म बनाई है बेनेगल बोस ने, ये तो पता नहीं चलता कि बोस की मृत्यु कैसे हुई है, लेकिन हमें बोस को दोबारा से जानने का मौका मिलता है हमारे जो आधुनिक भारत में बोस की फिल्म से, ये हमें देखने का उनको उनके जीवन को समझने का मौका मिलता है और हमारे दिलों में बोस जो है फिर से जिंदा हो जाते हैं। हमें पता चलता है कि एक हमारा ऐसा नायक भी था, ऐसा हीरो भी था जिसे हम भुला चुके हैं, ठीक है ना। वीडियो को पूरा देखते रहिए, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देने वाला हूँ, ठीक है ना। शुरू करते हैं क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी समरी लेसन की, और मैं आपको बता दूं मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूं जिसके अंदर से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्लीज स्टूडेंट्स वीडियो को पूरा देखते रहिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें उसको, ठीक है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाई डू इंडियन फिल्म मेकर अवॉइड फिल्म्स मेकिंग ऑन मेजर पॉलिटिकल लीडर्स। देखिए कह रहे हैं कि इंडियन जो फिल्म मेकर है, भारतीय फिल्म निर्माता बड़े राजनीतिक नेताओं पर फिल्म बनाने से क्यों हिचकिचाते हैं और बचते हैं, ठीक है ना। नोट टू स्पीक ऑफ अदर इंडियन फिल्म मेकर इवन सत्यजीत रे नेवर प्लान टू मेक अ फिल्म ऑन एमिनेंट पॉलिटिकल लीडर्स लाइक सुभाष बोस। देखिए अन्य भारतीय फिल्म निर्माताओं की तो बात क्या करें, सत्यजीत रे तक ने भी कभी सुभाष बोस जैसे विख्यात राजनीतिक नायक पर फिल्म बनाने की योजना नहीं बनाई, ठीक है ना। दे हेजिटेट बिकॉज सच ए सब्जेक्ट इज एक्सप्लोसिव एंड कॉन्ट्रोवर्शियल। इफ दे मेक ए फिल्म ऑन ए पॉलिटिकल लीडर अन एंडलेस कॉन्ट्रोवर्शी वुड फॉलो। देखिए ये कहते हैं अगर जो फिल्म निर्माता है वह इसलिए हिचकिचाते हैं कि इस प्रकार का विषय विस्फोटक और विवादग्रस्त होता है, यानी कि ऐसे में अगर आप फिल्म बनाते हैं तो वो हिचकिचाते हैं। यदि वह किसी राजनीतिक नेता पर फिल्म बनाएंगे तो उसका ऐसा उनके ऊपर ऐसा विवाद होगा जिसका कभी अंत नहीं होगा, यानी कि विवाद उनके पीछे लग जाएगा, ठीक है ना। अब सेकेंड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉन्ट्रोवर्सी स्टिल गोइंग ऑन रिगार्डिंग बोस डेथ। देखिए ये कह रहे हैं कि बोस की मृत्यु के बारे में क्या विवाद अभी तक चल रहा है। द डिबेट अबाउट सुभाष बोस डेथ इज गोइंग ऑन एंडलेस टू दिस डे। देखिए जो सुभाष बोस की मृत्यु के बारे में जो विवाद चल रहा है वो अंतहीन रूप से चल रहा है, अभी तक खत्म नहीं हुआ है, ठीक है ना। द इंक्वायरी कमेटी के जो देखिए एक इंक्वायरी कमेटी बैठाई गई थी इसके ऊपर जिसके जो जस्टिस थे मुखर्जी हैज नॉट येट बीन कम्प्लीटेड। देखिए अभी तक उनका जो फैसला है कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी वो अभी तक उनकी जो जांच है चल रही है वो पूरी नहीं हुई है। मैनी पीपल डिस्पेल एंड डिसबिलीव द थ्योरी ऑफ सुभाष डेथ इन द एयर क्रैश, ठीक है ना। देखिए कई लोग हवाई दुर्घटना में सुभाष की मृत्यु की धारणा जो है पर विश्वास नहीं करते, वो नहीं मानते कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु एयर क्रैश में हुई थी, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन है बेनेगल हैज एडिड हिज ओन ग्लोरी ग्लोस टू द स्टोरी ऑफ बोस, व्हाट वाज दैट। देखिए ये कह रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस की जो फिल्म है उसमें ना जो बेनेगल बोस ने अपनी क्या क्या मनगढ़ंत कहानियां जोड़ दी हैं, ठीक है ना। ऐसी क्या घटनाएं इस फिल्म में चुनकर बताइए और इस घटनाओं को जोड़ने के पीछे लक्ष्य क्या था, क्या कारण था, ठीक है ना। इस तरह से है तो आंसर इसका आप ऐसे लिखेंगे, बेनेगल सेज मिहिर हैज नॉट रिकॉर्डेड फैक्ट ऑफ सुभाष लाइफ इन हिज फिल्म। देखिए मिहिर बोस कहते हैं जो इस कहानी के लेखक हैं वो कहते हैं जो बेनेगल बोस ने अपनी फिल्म में जो दिखाया है सुभाष चंद्र के बोस के बारे में वो ज्यादातर ड्रामेटिकली है, फैक्ट नहीं है। मैनी ऑफ द इंसिडेंट
डेपिक्टेड आर फंक्शनल दे एपिसोड ऑफ द अबिद हसन कुकिंग खिचड़ी. देखिए वो एपिसोड जो हुआ था जिसमें अबिद हसन जो है खिचड़ी बना रहे थे एंड जोक कर रहे थे जर्मन्स के ऊपर, वो हिस्टोरिकली ट्रू नहीं है. ये सब जो बेनेगल बोस ने अपनी फिल्म में सिर्फ एक ड्रामेटिकली क्रिएट करने को, इंटरेस्टिंग बनाने को कहानी की गया. ठीक है ना, चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डज बोस एक्सप्रेस एंड सेलिब्रेट हिज जॉय टू एस्केप एंड रीचिंग द फ्री ट्राइबल्स लैंड बॉर्डरिंग अफगानिस्तान. देखिए सुभाष बोस किस प्रकार बच निकलने तथा अफगानिस्तान के सटे स्वतंत्र कबीलों की भूमि पर पहुंचने पर खुशी व्यक्त करते हैं, यानी उनको खुशी होती है तो वो जॉय जो है खुशी व्यक्त करते हैं और अपने बच निकलने का जश्न मनाते हैं, किस तरह से ये बताना है. ठीक है ना, तो आप कैसे लिखेंगे या आंसर को कैसे देंगे? सुभाष बोस मेड गुड हिज एस्केप फ्रॉम कोलकाता इन द ग्विस ऑफ अ पठान. देखिए सुभाष बोस एक पठान के वेश बदल कर, यानी पठान का वेश कर वहां से बच निकलते हैं. व्हेन ही केम टू नो दैट ही हैड रीच द फ्री ट्राइबल लैंड, जब उन्हें पता चलता है कि वो स्वतंत्र कबीलों के नजदीक पहुंच गए हैं जो कि बॉर्डरिंग ऑफ अफगानिस्तान के बॉर्डर के निकट हैं, ही जंप्ड, वो उछलते हैं खुशी से एंड चिल्लाते हैं बहुत ज्यादा. ही टोस्ड अ कॉइन, वो एक कॉइन को उछालते हैं विद जॉर्ज सिक्स, जो कि कॉइन है जॉर्ज सिक्स का, वो फेस की तरफ से ग्राउंड पे गिरता है, जहां पर जॉर्ज सिक्स का फेस बना हुआ है उसकी तरफ से वो ग्राउंड पे गिरता है. ही किक्ड इट एंड स्पैट ऑन इट, वो उस पर ठोकर मारते हैं और उसके ऊपर थूकते हैं. ठीक है ना, पांचवा क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है. फॉर वाट रीजन डज द राइटर कॉन्ग्रेचुलेट श्याम बेनेगल. देखिए किस कारण से जो राइटर है वो श्याम बेनेगल को कॉन्ग्रेचुलेशन या बधाई दे रहा है या दी है उसको. द राइटर कॉन्ग्रेचुलेट श्याम बेनेगल फॉर ब्रेकिंग न्यू ग्राउंड. अब देखिए उन्होंने ऐसा काम करा, श्याम बेनेगल ने अपनी फिल्म बनाई के लॉस्ट एंड फाउंड, बेनेगल्स बोस इस नाम की फिल्म बनाई है, सॉरी इस नाम की तो ये कहानी है. उन्होंने श्याम बेनेगल ने जो फिल्म बनाई थी उसके ऊपर ये उनको कॉन्ग्रेचुलेट बोल रहा है. वो कह रहे हैं कि फर्स्ट इंडियन फिल्म मेकर टू हैव द जो कॉन्ग्रेचुलेट टू मेक ए फिल्म अबाउट ए मेजर इंडियन पॉलिटिकल फिगर. देखिए ऐसे पहले ये निर्माता बने हैं जिन्होंने कोई ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल सब्जेक्ट के ऊपर फिल्म बनाई है जो कि पॉलिटिकल फिगर से संबंधित है. इट हैड मेड इंडियन मेन स्ट्रीम सिनेमा पार्ट ऑफ ए वर्ल्ड कल्चर. उन्होंने इंडियन सिनेमा को वर्ल्ड कल्चर का पार्ट बना दिया है. ठीक है ना, और वो ये बोलते हैं कि इंडियन फिल्म मेकर जो है पहले किसी में साहस नहीं था ऐसी फिल्में बनाने का, लेकिन अब जो है इन्होंने ये नया ग्राउंड शुरू कर दिया है. उनके करेज, उनके साहस को वो बधाई देते हैं और बोलते हैं कि आपने जो ये शुरुआत करी है उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद. और यही चीज़ इन्होंने इस क्वेश्चन में बताई, तो आप इसी तरह से इस क्वेश्चन को बना के लिख सकते हैं अगर ये क्वेश्चन आता है. बाकी मैंने आपको थ्योरी में सारा बता दिया है, समरी में सारी हिंदी बता दी, आप उसी तरह से आप आंसर्स जो आपके पेपर में आएंगे उनको बना के लिखें. आई होप आपको वीडियो पसंद आ गई होगी. प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करें, आप एक लाइक करते हैं मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है. मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी हाजिर रहूँगा. और एक बात और बोल दूँ मैं आपको कि अब मैं ग्रामर शुरू कर रहा हूँ. ठीक है ना, तो मैं सबसे पहले जो ग्रामर में है आपको एक आर्टिकल से शुरुआत करने वाला हूँ, आर्टिकल्स और लेटर शुरुआत करते हैं. और जब तक के लिए आप प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और नए बच्चे जो हैं